समझे रेडी। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स लिसनर्स, मैं बिग बॉस का सुपर हीरो और हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट ओम जी, हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी, मेरे साथ में धारासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 28 सितंबर 2018 को जो जजमेंट आया था उसमें भी हम लोग पिटिशनर थे, भगवान अयप्पा के पक्ष में हम लोग थे। और उस वक्त 1 अगस्त को मैंने अपने आर्गुमेंट में मैंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि यदि आप लोग अपने मन से भगवान अयप्पा के प्रति नफरत का भाव नहीं हटाएंगे तो 8 अगस्त को केरल में महाप्रलय आ जाएगा, जिससे हजारों करोड़ का नुकसान होगा और उसका पाप आपको लगेगा, उसमें हजारों लोग मरेंगे, उसका पाप आपको लगेगा। लेकिन उस वक्त इन 5 जजों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया था और उसमें खास तौर पे दीपक मिश्रा जो गोवंश भक्षी हैं, जो CIA एजेंट हैं और हिंदू विरोधी है, उन्होंने खास तौर पे कहा कि आपके श्राप से कुछ होने वाला नहीं है। और वही हुआ जो मैंने उस वक्त कहा था। और उस दिन 1 अगस्त को मैं एक फ्रेश ये फूल लेके गया था कमल का, और वो मैंने प्रूफ के लिए मैंने वो फ्रेश कमल का फूल मैंने इंदिरा जयसिंह नाम की CIA एजेंट सीनियर एडवोकेट को मैंने हाथ में दिया और मैंने चीफ जस्टिस से ये कहा कि यदि रजस्वला स्त्री के प्रवेश से भगवान अयप्पा का ब्रह्मचर्य खड़ा होता है, इसका प्रमाण ये है कि मैंने भगवान अयप्पा का नाम लेकर के ये फ्रेश कमल का फूल मैंने इस औरत के हाथ में मैं अभी दे रहा हूँ और ये मुरझा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि एक औरत जो ऑलरेडी ओल्ड लेडी है और रजस्वला भी नहीं है, फिर भी वो फूल को छू रही है, कमल को छू रही है और भगवान अयप्पा का हमने उसमें आवाहन किया हुआ है, तो वो फूल मुरझा जाएगा। और वो बिल्कुल फूल उसी समय विद इन ए सेकेंड बिल्कुल सूख गया वो फूल। सारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा और CIA एजेंट से तो भगवान अयप्पा को वैसे ही नफरत है, तो वो CIA एजेंट के हाथ में देने से इमीडिएटली उसका असर पड़ा। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो CIA एजेंट है, क्योंकि उसमें भगवान अयप्पा के खिलाफ जितने भी पिटिशनर है वो सारे के सारे ईसाई CIA एजेंट है और उसमें जो मुस्लिम पिटिशनर है वो भी CIA एजेंट ही है, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इन लोगों को, ये लोग भगवान अयप्पा के दुश्मन है और हिंदुओं के दुश्मन है, ये नास्तिक है, आप इनकी बातों में मत आइए। अंडर आर्टिकल 15(3) के मुताबिक बच्चों का और नारी का के लिए एक अलग से संविधान बनाया जा सकता है, जो संविधान उसमें भगवान अयप्पा के मंदिर में लागू किया गया है। और उसको और अंडर आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हमारी धार्मिक परंपरा को किस तरह से निर्वहन करना चाहिए, किस तरह से उसका व्यवस्थापन करना चाहिए, इसका राइट, फंडामेंटल राइट हमको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया। अभी रिव्यू पिटीशन जो हमने लगाया हुआ था उसमें भी ये बात हमने कही कि आप ये देखिए कि हमने एक पिटीशन केरला हाईकोर्ट में लगाया था कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं कराया होने दिया जाता है, तो जब मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलता तो रजस्वला स्त्री कैसे भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश कर सकती है। तो केरला हाईकोर्ट ने हमारा पिटीशन डिसमिस कर दिया था, उसको भी हमने इसमें लगा दिया था। और अभी जो जजमेंट आज आया है उसमें हमारा वो जो पिटीशन है जिसमें हमने कहा हुआ है कि ये मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिद में मजारों में प्रवेश दिया जाए, उसको भी हमारा जो सबरीमला के पक्ष में जो हमारा पिटीशन है उसके साथ क्लब कर दिया गया है। और हमने ही कहा था कि 5 जजों ने ये फैसला दिया था तो आप इससे बड़े बेंच से इसका फैसला करवाइए ताकि वो उसको कोई दोबारा काट ना सके, तो इसीलिए 7 जजों के बेंच में ये फैसला पहुंचाया गया है, 7 जजों के बेंच को दिया गया है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि तब तक जब तक ये 7 जजों का बेंच जब तक इसका फैसला नहीं करे तब तक उसमें केरल सरकार को उन्होंने एडवाइस दिया कि आप तब तक महिलाओं का रजस्वला महिलाओं का प्रवेश उसमें ना कराएं। उसके लिए अभी हम बहुत जबरदस्त हम लड़ने वाले हैं और जितने भी CIA एजेंट्स ये जज हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको इसकी सजा भगवान अयप्पा देंगे, हम अपनी तांत्रिक शक्तियों से भी देंगे। और उसके बारे में
हमारे दरासना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए जैसा स्वामी ने बताया है, ये सब सबकी सब अमेरिका से इंग्लैंड से साजिश चल रही है। अभी आपने देखा है कि किस तरह से भगवान अयप्पा से शत्रुता लेने का फल जैसा स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी, केरल में महाप्रलय आएगा और वो एक हफ्ते बाद ही वहां पर केरल में महाप्रलय आया और इतनी बड़ी बाढ़ केरल में कभी नहीं आई। किंतु ये तो सीआईए के एजेंट छड़े जज लोग, इनको तो इंग्लैंड अमेरिका से पैसा मिलता है। दीपक मिश्रा को हजारों कई सौ करोड़ रुपए भगवान अयप्पा के खिलाफ फैसला देने के कारण मिले हैं, वो पैसे इसने स्विस बैंक में जमा कर रखा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन जजों के स्विस बैंक के अकाउंट चेक किए जाए और इनकी पूरी निगरानी रखी जाए। ये जज नहीं है, ये तो राक्षस है जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने के लिए आगे बढ़े, इंग्लैंड और अमेरिका ने आगे बढ़ाए हैं। अब से पहले भी सन 1857 में जब अंग्रेजों ने कारतूस में गाय की चर्बी लपेटकर और सूअर की चर्बी लपेटकर हम हिंदुओं मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की थी, उस समय भी बड़ा प्रतिफल हुआ था उसका और अंग्रेजों ने उसको भोगा। 100,000 अंग्रेजों के सिर हम लोगों ने काट दिए थे, उनके चर्च में गिरजाघरों में जितनी जगह सब जगह हम हिंदू मुसलमानों ने आग लगा दी थी। अब फिर वही महाप्रलय की स्थिति आ गई है। इस बार जो महाप्रलय आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ये जज या तो अपनी इस हटतरंगिता छोड़ दे, हिंदू धर्म के खिलाफ कभी पटाखों पर रोक लगाते हैं, कभी फूल मूर्ति सर्जन पर रोक लगाते हैं, कभी हिंदुओं के श्रद्धा को प्रदर्शनकारी बताते हैं। आज जो स्वतंत्र कुमार है जो एनजीटी का चेयरमैन था और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है, आज स्वामी ओम जी जैसा मुझे बता उसको बैड सोल हो गया, उसको कीड़े पड़ पड़ के मर रहा है। ऐसे दीपक मिश्रा जो जिसने भगवान अयप्पा के खिलाफ इस तरह का गलत निर्णय दिया था, आज उसको उसको फल भुगतना पड़ रहा है। उसकी बहू उसके बेटे की पत्नी रात के 12 बजे सारे कपड़े उतार कर उसके कमरे में घुस जाती है, तो इनका फल तो इनको भुगतना पड़ेगा। मैं स्वामी ओम जी से अपील करता हूँ, ये जज नहीं सुधरते हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ अपनी दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो इस बार इनको फल दे और सुप्रीम कोर्ट का जो नई बिल्डिंग है उसमें भूत जरूर छोड़े, उस बिल्डिंग को निश्चित रूप से इनका फल मिलना चाहिए और इन दुष्टों का पूरा विनाश होना चाहिए। ये जज नहीं है, राक्षस लोग हैं, ये सीआईए की फंडिंग पर हमारे हिंदू धर्म को नाश करने में लगे हुए हैं और इंदिरा जयसिंह जैसी जो नक्सलवादी है, सीआईए के एजेंट है, देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोहियों का ये जज लोग साथ देते हैं। और मैं भगवान अयप्पा के खिलाफ जो नफरत का फल इनको मिल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा 2 कोड़ी की रह गई है और जब तक ये सीआईए के एजेंट जज का यहां से खात्मा नहीं होगा, भगवान अयप्पा का क्रोध शांत नहीं होगा। भारत माता की जय।